नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टीचिंग बाय रामेश्वरी। आज से पहले हमने वीडियो के में अनुच्छेदों के बारे में बताया, इससे पहले अनुच्छेद 9 बताया जिसमें बताया गया कि व्यक्ति दोहरी नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता है, भारत का नागरिक कब नहीं रह सकता जब उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। अब अनुच्छेद 9-10 में आते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, व्यक्ति के नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार कब तक बने रहेंगे, इसके बारे में अनुच्छेद 9 बताता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के मुद्दे से संबंधित है। यह लेख निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा हुआ था या जो भारत का नागरिक है या जिनके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए थे उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा, बशर्ते अवैध प्रवासी न हो। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के माता पिता ने यदि भारत में जन्म लिया है, यदि उसके दादा दादी ने भारत में जन्म लिया है, तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक होगा। लेकिन उसमें एक शर्त है कि वो अवैध रूप से भारत में नहीं आया हो, परवेशी जो दूसरे देश के नागरिक है जो अवैधानिक तरीके से असंवैधानिक तरीके से भारत में आ जाते हैं, छुपा के फिर भारत में रहना शुरू कर देते हैं, वो लोग भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। जो छुप के आए हैं, कैसे भी आए हैं, या किसी असंवैधानिक तरीके से आए, कानूनी तरीके से नहीं आए, वो व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं ले सकता है, ये अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 10 और क्या कहता है कि लेख में वर्णित यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अन्य देश से भारत आया है, तो जो अवैध प्रवासी नहीं है उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि भारत में रह रहा है या नहीं रह रहा है, कम से कम 5 साल भारत में रह रहा है या नहीं रह रहा है, इसका मतलब यह है कि कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन वह वैधानिक तरीके से भारत में आया है। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति, बांग्लादेश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन वैधानिक तरीके से आया है, असंवैधानिक तरीके से आया है या गैर कानूनी तरीके से भारत में आया, तो भारत का नागरिक नहीं रह सकता है। लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश से वैधानिक तरीके से आया है और 5 साल भारत में रह रहा है, 5 साल से भारत में रह रहा है, तो भारत का नागरिक बन सकता है। हालांकि संसद के पास निवास की समयावधि को संशोधित करने या कोई अन्य शर्त लगाने की शक्ति है। अब ये 5 साल की जो अवधि है, वह संसद के पास में अधिकार है कि 5 साल से 10 साल भी कर सकती है या 6 महीने भी कर सकती है, संसद के पास अधिकार है। लेकिन वर्तमान तक 5 साल का ही प्रावधान है कि 5 साल तक कोई व्यक्ति यदि भारत विदेशी नागरिक है, वहां की नागरिकता उसके पास नहीं है और वो भारत में रह रहा है, तो भारत का नागरिक बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में यह बुनियादी निर्धारित करने के लिए बुनियादी नियम दिए गए हैं कौन भारतीय नागरिक है, यह प्रदान करता है कि भारत की नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की जाएगी। यानी किसी का जन्म भारत में हुआ है, वो भारतीय वंश का है, उसका पंजीकरण हो चुका है भारतीय नागरिकता का, या प्राकृतिकरण के कारण वो भारत में रह रहा है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और यह भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने या छोड़ने के लिए शर्तों और प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट करता है। ये भारत की नागरिकता प्रदान करने की शर्तें हैं, क्या है कि उसका जन्म भारत में हुआ है, उसका वंश भारत में है, उसने भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण करवा रखा है, या वह व्यक्ति पंजीकृत है, या प्रकृतिकरण के द्वारा वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन एक शर्त है कि वह किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो, और दूसरी शर्त यह है कि वह असंवैधानिक तरीके से भारत में न आया हो। भारतीय संविधान के लेखा जोखा 10 में यह निर्धारित करने के लिए आधारभूत नियम दिए गए हैं कि भारतीय नागरिक है, यह प्रदान करता है कि भारत का अधिकृत जन्म, वंश, पंजीकरण या प्रकटीकरण द्वारा प्राप्त किया गया जाएगा, यह भारतीय हस्ताक्षर प्राप्त करने या नामांकन के लिए नामांकन भी निर्दिष्ट करता है। यानी
नाम अंकित किया जा सकता है नामांकन आधार कार्ड के लिए या किसी अन्य चीज के लिए, लेकिन वह पहले भारत का नागरिक होगा, उसके बाद में वह आधार कार्ड बना सकता है, वह राशन कार्ड बनवा सकता है, वह कुछ भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि वह भारत का नागरिक है। उसके लिए क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हुआ होना चाहिए, उसका वंश भारत का हो, या फिर उसका पंजीकरण हो चुका हो, 5 वर्ष तक वो भारत में रह रहा है और उसका भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण हो चुका हो, वह दूसरे देश का नागरिक नहीं हो, वह असंवैधानिक तरीके से भारत में नहीं आया है, तो अनुच्छेद 10 उसको भारतीय नागरिक होने का अधिकार प्रदान करती है। तो यह तो था अनुच्छेद 10। आशा करते हैं कि आपको अनुच्छेद 10 समझ में आया होगा। कमेंट और लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।